दोस्तों भारत ने आज मैच जीत लिया है 36 रन से। शानदार वापसी की है भारत ने। पहले ओडीआई में करारा हार मिला था भारतीय टीम को और इस बार वापसी की है और एक एक से बराबरी कर ली है इस सीरीज में। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 340 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था 6 विकेट खोकर। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 304 रन ही बना पाई और पूरी टीम पवेलियन लौट गई। 36 रन का शानदार जीत, बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा हालांकि दोनों टीमों से, क्योंकि देखिए आप ऑस्ट्रेलिया का अगर स्कोर देखें तो 304 रन तो कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल की इसके टोटल जो भारत ने जो स्कोर बनाया उसके पास पहुँचने की। इस मैच में टोटल 600 से ऊपर रन बने। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बल्लेबाजों ने किस तरह से धुनाई की बॉलरों की। तो चलिए नज़र डालते हैं कि आज के मैच के हीरो कौन रहे और कैसा रहा प्रदर्शन तमाम खिलाड़ियों का। तो आप देखिए कि पहले भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की थी और रोहित शर्मा और शिखर धवन के बीच एक अच्छी ओपनिंग साझेदारी हुई थी। पिछले मैच से सबक लिया और इस बार 80 रन के साझेदारी हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। रोहित शर्मा अच्छे दिख रहे थे, 42 रन बनाया 44 बॉलों पर, 6 चौके लगाए। लग रहा था कि रोहित शर्मा आज एक बड़ा इनिंग खेलेंगे, तभी एडम जंपा ने उनका शिकार किया और वे आउट हो गए 8 रन से चूक गए अर्धशतक बनाने में। उधर शिखर धवन ने शानदार वापसी की और जता दिया कि धवन को क्यों कहा जाता है, एक बड़ा खिलाड़ी क्यों माना जाता है, गब्बर कहते हैं क्रिकेट का गब्बर इनको, और आज अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया कि गब्बर इज बैक। और गब्बर ने 90 बॉल पर 96 रन बनाए और लग रहा था कि सेंचुरी बनाएंगे, केवल 4 रन से रह गई इनकी सेंचुरी। लेकिन सेंचुरी नहीं बनाने के बावजूद इनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला जब वे आउट होकर लौट रहे थे। तो एक छक्का लगाया और 13 चौका लगाया और खेल के बीच में उनको चोट भी लगी थी, एक सीधा गेंद आकर उनके असली पर लगा था। उसके बावजूद उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी दृढ़ता, रन बनाने की भूख वो कहीं न कम नहीं दिखी पिच पर और वे स्कोर को आगे ले जाते रहे और 13 चौके लगाए। इससे ही साबित होता है कि कितने शानदार बल्लेबाजी, यानी अपने 96 रन के स्कोर में इन्होंने 72 रन तो केवल चौके से ही बनाए। विराट कोहली आज एक कप्तानी पारी खेली उन्होंने, जब टीम को ज़रूरत थी कि मिडिल ऑर्डर का कोई बैट्समैन आकर मजबूती से रन स्कोर को आगे ले जाए, और उन्होंने पिछली बार की तरह गलती नहीं की, केएल राहुल को ऊपर न भेजकर खुद जो कि तीसरे नंबर पर सबसे कंफर्टेबल होते रहते हैं कोहली, इस बात को समझा उन्होंने और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने बनाए 78 रन 46 बॉल पर 6 चौकों की मदद से। स्ट्राइक रेट शानदार रहा 102 का। अय्यर आजकल फ्लॉप चल रहे हैं, श्रेयस अय्यर को मौका दिया जा रहा है क्योंकि इसी साल वर्ल्ड कप होना है तो नए प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है, हालांकि इस मौके को भुना नहीं पा रहे हैं अय्यर। केवल 7 रन बनाकर 17 बॉलों पर आउट होकर चले गए। एडम जंपा जो कि स्पिनर हैं ऑस्ट्रेलिया के, शानदार बॉलिंग की और विराट कोहली, अय्यर और रोहित शर्मा सबको अपना शिकार बनाया। के एल राहुल के बारे में कहा जाता है कि सेकंड विराट कोहली हैं और टेक्निकली बहुत मजबूत बल्लेबाज हैं। और देखिए लास्ट कुछ मैचों पे आप नज़र डालें तो इन्होंने ओपनिंग भी की है, पिछले मैच में तीसरे नंबर पर आए थे, इस बार उनको डिमोशन किया गया और नीचे लाया गया 5वें नंबर पर, और नीचे आने के बावजूद उन्होंने शानदार पारी खेली और इनकी स्ट्राइक रेट देखिए 150 से ऊपर है इस 80 रन के इनिंग में। 52 बॉल का सामना करके 3 छक्के मारे और 6 चौके, तो इस तरह का प्रदर्शन दिखाता है कि वह दिक्कत खेल रही है और किसी भी सिचुएशन पे अपने आप को ढाल सकते हैं। के एल राहुल तो केएल राहुल ने 80 रन ताबड़तोड़ 80 रन बनाए, तेज बनाया, यही वजह है कि भारत का जो स्कोर है वो 340 तक पहुंच पाया। मनीष पांडे को लगातार मौका दिया जा रहा है कि वे ग्रूम करें, लेकिन इस बार भी वो फ्लॉप साबित हुए, कुछ खास नहीं किया, केवल 2 रन ही बना पाए 4 बॉलों पर।
रविंद्र जडेजा लास्ट में बैटिंग करने आए थे, ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी 16 बॉल पर 20 रन की ब्रीफ पारी, एक छोटी पारी खेली। मोहम्मद शमी नॉट आउट रहे एक रन बनाकर, और भारतीय टीम का टोटल स्कोर रहा 6 विकेट खोकर 340 रन। इसके जवाब में अगर बॉलिंग की, ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग की बात कर पहले कर लें तो जंपा जो स्पिनर है वो सबसे सफल बॉलर रहे, 3 विकेट लिया 10 ओवर में 50 रन देकर। उसके बाद रिचर्डसन 2 रन दिए, महंगे साबित हुए, 73 रन दिया। फिर माइकल स्टार, उसके बाद कोई भी तीनों बॉलर कुछ खास नहीं कर पाए, चाहे वो क्यूमिनीज हो 53 रन दिए, स्टार्क ने 78 रन दिए और रिचर्डसन, यानी ये प्रतीत होता है कि स्टार्क और रिचर्डसन को ज़्यादा आक्रमण का सामना करना पड़ा बल्लेबाजों का। तो दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया जब खेलने उतरी तो बहुत ऑब्वियस बात है, उनको फास्ट तेज खेलना था, 340 रन चेज करना मुश्किल काम है, हालांकि नामुमकिन काम नहीं है, क्योंकि लास्ट फ्यू इन फ्यू ईयर्स द पैटर्न ऑफ बैटिंग इज टोटली चेंज ड्यू टू T20। तो T20 को दिमाग में रखकर ये स्कोर बड़ा नहीं था। और दूसरी बात, ऐसा बहुत बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह के कुछ रन को चेज सफलतापूर्वक किया है। और लास्ट मैच के हीरो डेविड वार्नर और एरोन फिंच दोनों ही कुछ खास नहीं कर पाए इस बार, पिछले मैच में दोनों ही बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी कर ऐतिहासिक जीत दिलाई थी ऑस्ट्रेलिया को भारत में, लेकिन इस बार वार्नर आउट हुए 15 रन पर, 12 बॉल का सामना किया, 2 चौके लगाए, मोहम्मद शमी का शिकार हुए, मनीष पांडे के हाथों कैच दे बैठे डेविड वार्नर, फिंच रविंद्र जडेजा का शिकार बने, केएल राहुल ने उनको स्टम्प किया, स्मिथ डार्क हीरो साबित हुए इस बार इस मैच में, 98 रन बना पाए, 2 रन से चूक गए सेंचुरी बनाने से। देखिए 600 से ज़्यादा रन बने इस मैच में, लेकिन कोई भी बल्लेबाज सेंचुरी बनाने में सफलता हासिल नहीं कर पाया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो या फिर इंडिया का। आप देख लीजिए, स्मिथ 98 रन बनाकर 2 रन से चूक गए, धवन 4 रन से चूक गए। तो कहीं ना कहीं बैड लक रहा, एक अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा इस मैच का कि बल्लेबाज अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। एनीवेज, स्मिथ ने शानदार पारी खेली 98 रन का, एम लेबस्चार्ग ने 46 रन बनाए 47 बॉल पर, कोशिश कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर को मजबूत बना सके और स्कोर को आगे ले जा सके, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली, कोई साथ नहीं मिला दरअसल इनको। फिर एक एडी आए 18 रन बनाए, कुलदीप यादव का शिकार बने, टर्नर भी कुछ खास नहीं कर पाए, बोल्ड हो गए 13 रन बनाकर, ए एगर मैच को आगे ले जा रहे थे लेकिन 25 रन बनाकर वे आउट हो गए। कम्युनिज मोहम्मद शमी ने बोल्ड किया उनको, खाता तक नहीं खोलने दिया शमी ने इनको। स्टार्क 6 रन बनाए 11 बॉल पर, रिचर्ड्स हालांकि बल्लेबाज में इनकी गिनती नहीं होती लेकिन इसके बावजूद 24 रन ताबतौर 24 रन बनाए, 4 चौके और 1 छक्के भी लगाए। जंपा 6 रन बनाने में सफल हुए और इस तरह पूरी टीम बिखर गई 304 रन पर। तो भारत ने इस सीरीज में वापसी करके बता दिया कि भारत यूं आसानी से घुटने नहीं टेकने वाले, वो भी जब कोई सीरीज अपने घरेलू मैदान पर हो। तो अगला मैच और भी इंटरेस्टिंग हो चुका है दोस्तों, आप नज़र बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर से मैं लाइव और हाईलाइट लेकर आऊँगा आपके लिए, और अपने कमेंट लिखना ना भूलिए। और यह मैच समाप्त हो चुका है, तो अब नेक्स्ट संडे को मैच होने वाला है 19 जनवरी को चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु में। तो फिर मिलते हैं बेंगलुरु के मैच के साथ, थैंक यू सो मच। जाते जाते बता दूं कि केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच मिला उनके शानदार तेज तरार इनिंग के लिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।